आज हम एक नए एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है विम्प, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। यह एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। माना जाता है कि विम्प ने ही डार्क मैटर को बनाया है। वैसे ही जिस तरीके से क्वार्क्स, लेप्टन्स और बोजोन ने हमारे मौजूदा मैटर को बनाया, यह एक नया एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि ग्रेविटी और कुछ फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट करता है। यह बिग बैंग के वक्त दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ ही बना था। आज हम इसी विम्प के बारे में जानेंगे कि यह होता क्या है, इन्हें ढूंढने वाली मशीन्स का मैकेनिज्म क्या है, और इससे भी बढ़िया हमारे पास कौन सी थ्योरी है। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए इन्हें जानने के लिए वीडियो को पूरी अंत तक देखें, इससे आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम इस कॉस्मोस को पिछले एक दशक से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह आज तक पता नहीं चला कि यह यूनिवर्स किस चीज़ से बना हुआ है। जहां साइंटिस्ट कहते हैं कि इस यूनिवर्स में 15% विजिबल मैटर है और 85% डार्क मैटर, जिसे हम अपने सबसे एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं देख सकते। अभी साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी दी है, डार्क फ्लूइड, पर यह होता क्या है, इसे आप मेरी चैनल में जाकर के इस पर मेरी बनाई वीडियो को आप देख सकते हैं। हर सेकंड हमारे शरीर से 1 अरब डार्क मैटर पार होते हैं, मगर हमें पता नहीं चल पाता। तो इन्हीं डार्क मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल को हम विम्प कहते हैं, मतलब कि यही हमारे डार्क मैटर के बनने का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम बहुत सारे विम्प्स को मिलाते हैं तो यह डार्क मैटर बनाएगा। ये ना ही लाइट इमिट करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ, मतलब क्वार्क्स और लेप्टन्स या बोजोन्स के साथ, ये बहुत ही कम इंटरैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम इन्हें ढूंढे कैसे। ये विम्प किसी और के साथ नहीं, बल्कि ये खुद के साथ ही इंटरैक्ट करते हैं। मतलब दो विम्प एक साथ टकराते हैं तो वे गामा रेंज छोड़ते हैं, जो कि एक लाइट की तरह निकलता है, मगर बहुत ही कम इंटेंसिटी वाला, जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो इसी लाइट को नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप अपने आसपास के ड्वार्फ गैलेक्सीज में ढूंढ रहा है। ड्वार्फ गैलेक्सीज वो गैलेक्सीज होते हैं जिनमें स्टार डस्ट से ज़्यादा डार्क मैटर पाया जाता है, और ऐसे ही दो ड्वार्फ गैलेक्सीज के टकराने से हमारा मिल्की वे गैलेक्सी बना है। पिछले 2 सालों में साइंटिस्ट ने ऐसे 10 ड्वार्फ गैलेक्सीज के गामा रेज का अध्ययन करके उनके डेटा को इस ग्राफ के जरिए बताया है, जिसमें यह स्ट्रेट लाइन हमें विम्प पार्टिकल मिला है कि नहीं बताता है। अगर हम इन सभी गैलेक्सीज का एवरेज भी लेते हैं तो भी यह एक स्ट्रेट लाइन नहीं दे सकता। आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ और इस स्ट्रेट लाइन के बीच जो एरिया है वह हमें विम्प की मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है, जो कि बेहद कम है। अब तक तो बात हो गई इन्हें पृथ्वी के बाहर ढूंढने की, अब हम जानेंगे कि इसे हम अपने पृथ्वी पर रह करके कैसे ढूंढ सकते हैं। लार्ज अंडरग्राउंड ज़ीनन एक्सपेरिमेंट या लक्स, जो सैनफर्ड अंडरग्राउंड लेबोरेटरी साउथ डकोटा में जमीन से 1.5 किलोमीटर नीचे बनाया गया है, यहाँ कोशिश की जा रही है डार्क मैटर ढूंढने की। तो चलिए हम इसके मैकेनिज्म को जानते हैं कि यह कैसे डार्क मैटर को डिटेक्ट करेगा, जो कि आज तक संभव नहीं हो सका। इसमें पहले हम एक टैंक में 10 टन लिक्विड ज़ेनॉन को भरते हैं। अगर कोई पार्टिकल टैंक को पार करके लिक्विड ज़ेनॉन के न्यूक्लियस से टकराता है तो दो चीज़ें होंगी। ज़ेनॉन बहुत ही थोड़ी सी लाइट इमिट करेगा और साथ ही इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण वह ऊपर की ओर चला जाएगा, जहाँ वह ऊपर टकराने से दूसरा लाइट इमिट करेगा, जिसे कि 5000 लाइट सेंसिटिव ट्यूब द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि टैंक के ऊपर और नीचे दोनों जगह मौजूद है। मगर इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए साइंटिस्ट को इसे सभी रेडिएशन से बचा करके रखना होगा, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज और न्यूट्रॉन्स के डिकेज से, जो कि हमारे आसपास हर वक्त होते हैं।
पहले ज़ीनन को इतना साफ करना होगा कि यह एक रेडियो एक्टिव क्रिप्टॉन में बदल जाए। अब सिर्फ टैंक में मौजूद 80% ज़ीनन का ही डेटा को हम मान दे सकते हैं, बाकी का 20% एक शील्ड की तरह काम करता है और इसके बाहर ज़ीनन का एक पतला लेयर है जिसे ज़ीनन स्किन कहते हैं। वह गामा रेज और न्यूट्रॉन डिकेज को अंदर आने नहीं देता। इसे अब तक ट्रिटियम ग्रेड के अंदर रखा जाता है जो कि बहुत ही कम बैकग्राउंड सिग्नल्स जनरेट करता है। इसे एक और कंटेनर के अंदर रखा जाता है जिसे कि फिर से प्यूरिफाइड ज़ेनन से भर दिया जाता है जो कि बिल्कुल ज़ेनन स्किन की तरह काम करता है। इन दोनों टैंक को एक तीसरे टैंक में रखा जाता है जिसे कि 70,000 गैलन पानी से भर दिया जाता है जो कि बाहरी रेडिएशन से बचाता है, जिसे कि अब 1.5 किलोमीटर ज़मीन के नीचे बनाया गया है ताकि यह कॉस्मिक रेज के कांटेक्ट में ना आ सके। डार्क मैटर को ढूंढने के लिए एक और लेबोरेटरी बनाई गई है जिसका नाम है क्रिस्ट। अगर आप इसकी भी मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लक्स को 30 अक्टूबर 2013 में 85 दिन के लिए 118 kg ज़ेनन के साथ टेस्ट किया गया मगर साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं मिला। फिर 2014 के अक्टूबर महीने से 2016 के मई महीने तक एक और टेस्ट किया गया, इस बार 368 kg ज़ेनन के साथ, मगर इस बार भी रिजल्ट नेगेटिव ही मिला। लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद है कि वे एक दिन इन विम्स को जरूर डिटेक्ट कर लेंगे। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे ज़्यादा बिलीवेबल थ्योरी उन्हें एक्जियंस और माचोज में लगता है जो कि डार्क मैटर को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। इनको हम अपने आने वाले वीडियोस में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है, सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।